बेटा हो या बेटी, दोनों ईश्वर की देन है, ईश्वर का प्रसाद, और मेरे लिए तो दोनों समान है। मुझे भी अपनी तीनों बेटियां बहुत प्यारी हैं, लेकिन साईं अंग्रेजी सरकार की सोच अलग है। अगर मेरा उत्तराधिकारी पैदा ना हुआ तो अंग्रेजी सरकार मेरा सब कुछ हड़प लेगी, पूरी रियासत, सारे महल। मैं सड़क पे आ जाऊंगा साईं, बेटे की कामना करना मेरी मजबूरी है। कैसी मजबूरी है? तुम्हारे जीते जी तो तुमसे कुछ भी नहीं छीना जाएगा, और अगर रियासत चली भी गई तो तुम्हारे पास बहुत धन है अपने परिवार को हर सुख सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। तो फिर पुत्र की कामना क्यों? केवल इसलिए कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारी रियासत तुम्हारी ही रहे। आप सोच रहे हैं कि ये सब मैं अपने लालच के लिए कर रहा हूं? नहीं साईं, ये लालच नहीं बल्कि अपने वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा है। इस राज्य को बनाने में, बढ़ाने में मेरे पूर्वजों का रक्त, उनका पसीना बहा है, और अब मेरे कारण ये सब अंग्रेजी सरकार को चला जाए तो मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी साईं। देवधर, वंश हो या मुक्ति, देने वाले तो राम जी हैं, और उनकी मर्जी से कोई नहीं लड़ सकता है। और रही बात वंश की, तो बेटियां भी वंश आगे बढ़ा सकती हैं, और बढ़ाएंगी भी। इसलिए चिंता मत करो, और ईश्वर जो दे उसे स्वीकार करो, सुखी रहोगे। आप मेरा अपमान कर रहे हैं साईं। मैं भले ही यहां पर मामूली कपड़ों में आया हूं, आपको इज्जत दे रहा हूं, लेकिन हूं तो एक राज्य का राजा। बड़े बड़े साधु संत मेरे आगे सर झुकाते हैं, और मैं इतनी मुश्किलें उठाकर अपनी छोटी रानी को इस अवस्था में यहां तक लेकर आया हूं। आपको मेरी मदद करनी चाहिए। मुझे बेटा चाहिए साईं, और हर कीमत पर चाहिए। तो बताइए मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए जिससे मुझे बेटा मिल जाए? तुम ही बताओ देवधर, क्या कर सकते हो तुम मेरे लिए? आप कहें तो आपके इस खंडहर को सोने का बनवा दूं, आपकी धूनी के लिए चंदन की लकड़ियां मंगवा दूं, पैसे, जवाहरात, हीरे मोती, मेरे राज्य में जितनी चाहिए उतनी जमीन, जो चाहिए मैं आपको दे सकता हूं। देवधर, एक फकीर के लिए ये सब किस काम का? अगर कुछ दे सकते हो तो ये वादा करो कि तुम अपनी सोच बदलोगे, और ईश्वर ने जो दिया है उसे स्वीकार करोगे। ये तो मैं नहीं कर सकता साईं। तो मुझे भी अफसोस है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। देख लिया आपने, मैंने कहा था हमें यहां पे। आप ठीक कह रही हैं छोटी रानी, हमने यहां आकर गलती की है। उठिए, आइए। देवधर, अगर सिंहपुर जा रहे हो तो अभी मत जाओ, दो दिन रुक जाओ। बेटी को इस अवस्था में लगातार यात्रा करना ठीक नहीं है। कुछ कर तो नहीं पाए आप मेरे लिए, तो कम से कम अब ज्ञान तो मत दीजिए। मन में साई के क्या है कौन जान पाए, ओम साई ओम। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.